खेडली रेफरल अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जुखाम, खांसी, बुखार, वायरल मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रेफरल अस्पताल में इन दिनों 1000 के आसपास मरीजों की ओपीडी हो रही है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया कि अभी यहां पर कोविड की जांच शुरू नहीं की गई, साथ ही कोविड की लहर को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में ऑक्सीजन कनेक्शन, कोविड वार्ड, दवाओं की जरूरत स्टाफ द्वारा पहले से ही हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को अपनी जांच कराने तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करने की भी अपील की जा रही है। जब हमारे संवाददाता रोहित सिंगल और उनकी टीम चिकित्सालय के हालात देखे तो चिकित्सालय में आपातकालीन जनरेटर तो मिला लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं था। वहीं खेडली अस्पताल को उपजिला अस्पताल का दर्जा तो प्राप्त हो गया लेकिन उसमें रखा जनरेटर एक शोपीस बना दिखाई दिया जिसका विद्युत कनेक्शन तक नहीं है। अब साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थिएटर तो वर्षों से बंद पड़ा मिला। गौरतलब ये है कि कठुम्बर क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था धरातल पर कुछ और है और कागजों में कुछ और नजर आती है। इस समय चिकित्सालय में किस तरीके के मरीजों की जांच की जा रही है? इस टाइम पर मैक्सिमम बुखार के मरीज आ रहे हैं, मैं तो बुखार ही चल रहा है इस टाइम पर। कितने मरीजों की प्रतिदिन जांच की जा रही है? 100 से ऊपर हो रही है डेली। जिसमें अधिकांश क्या 80% बुखार के, उसके अलावा नॉर्मल जाँच चलती रहती है, पेशेंटों की वो अलग है। उसमें किसी तरीके के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं क्या, कोविड वगैरह? नहीं, कोविड के भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, वैसे कुछ टाइफाइड रूप कुछ आ रहे हैं, बस ज़्यादा टाइफाइड भी नहीं है इतना, बीमारी के हिसाब से ही बुखार ही चल रहा है। इसको लेकर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा क्या तैयारी की? देखिए, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पहली जब कोविड की लहर आई थी उसी से यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन प्लांट की जनरेशन हो चुकी थी। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारी मात्रा में अवेलेबल हो चुके थे और हमारे पास मास्क, सारी मेडिसिन, सभी इंजेक्शन पूरी तरह से चिकित्सालय में इस समय उपलब्ध हैं। किसी भी लहर को देखते हुए हमारे पास इस समय पूरी व्यवस्था है। इसको लेकर आप जनता को जागरूकता दीजिए क्या विशेष? जनता को बार बार यही मैंने समझाया है और यही समझा रहे हैं कि आप मेन अपना नॉर्मल मेडिसिन लीजिए। खांसी, जुकाम, बुखार हल्के से भी लक्षण होने पर आप चिकित्सक से परामर्श लीजिए, दूरी बनाए रखें, काम करते हुए वगैरह ये सब होते हुए अपना सभी चीज़ का सेवन करें, खाना पीना पानी वगैरह खूब लीजिए और जितना हो सके मेन यही है कि जब भी कोई बीमारी हो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। आपातकालीन अगर स्थिति को लेकर आपकी तैयारियाँ पूर्ण तरीके? हमारी पूरी तरह से तैयारी है, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट पूरा चल रहा है, हमारे यहाँ पर हर एक NICU में ऑक्सीजन वार्ड्स में प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास 25-30 कंसंट्रेटर भी हैं, हमारे पास 2 से 3 बेड भी हैं ICU जो हमने अलग से रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक काफ़ी बड़ा कमरा है जिससे हम ऑक्सीजन की कोरोना की महामारी को देखते हुए 30 से 40 बेड हम वहाँ लगा भी सकते हैं। मास्क को लेकर आपका कैसे पब्लिक से अपील? देखिए, हम यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रहें, बात करते हुए लगे, 2 गज दूरी बनाए रखें हमेशा,